ठीक है वरना। यहाँ से लेकर के पूरा खा तक इधर अपनी बोटें चलेंगी, इस साइड बोट रहेगी, यहाँ पर तैराक वगैरह रहेंगी। दोनों टाइम आना पड़ता है, सभी ब्रत चलेगा तो उसको रस्सी से बैरिकेड की कम पानी करा दिया, उधर बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रहेगा। यहीं पर पूजा करके अपनी अपनी जीत पर पूरी भीड़ रहेगी, पूरा खड़ा रहेगा। और उधर बोट चलती रही, उसमें रहेंगे पुल पे जहाँ तक जाएगी मैं ले जाऊँ, इधर से उधर से भी लाएंगे सर। नहीं नहीं लगा देना आप, इसमें वहाँ से आधे इधर इधर में एक हैलोजन थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दो, वो देखते रहेंगे ठीक रहेगा। वो पुल पे क्या मॉर्निंग में करवाएंगे अभी रात में, बाकी इस पे तो कर रहा अपन छोटे वाले नाव पे चलेंगे ना, तो थोड़ा ऊपर से इधर नदी पे उजाला हो जाता है। हां नदी पे भी उजाला, व्हाइट वाले हैलोजन ये जो लगे ना इसे एक ही लगा दो, आपको दिक्कत नहीं लगवा, इतना ज्यादा लगे उतनी कोई दिक्कत नहीं। हार्ड वाला घाट है अपना बड़े में, बाकी दोस्तों इतनी पब्लिक से फायर ब्रिगेड कुशल कहां खड़ी होगी, वही खड़ी है ना, वही खड़ी है यहां यहां तक, वही यहां पर कितनी भीड़ होना है। नागदा शहर में जो कि छठ पर्व है पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, इस बार भी कोरोना गाइडलाइन के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग छठ पर्व मना रहे हैं, जिस पर से कि नदी में अर्घ्य देने की जो सुविधाएं होती है उसका आज निरीक्षण करने मैं और CSP साहब और दोनों थाना प्रभारी यहाँ पर आए हैं, और नगर पालिका के भी अधिकारी और प्रशासन के भी अधिकारी, और यहाँ पर सारी की गई व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि पर्व मनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और पब्लिक के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। सर इस त्यौहार सुचारू रूप से निरंतर चलता रहे इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई है, साथ ही आवश्यक पुलिस बल लगाया गया है, त्यौहार सभी लोग बड़े अच्छे से मनाए जा सके इसीलिए सारी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सर उज्जैन जिले के अंदर सबसे प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो, नहीं नदी पे सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं, आवश्यक बैरिकेड लगाए गए हैं, साथ ही साथ हमारे तैराक दल नाव के साथ में निरंतर पेट्रोलिंग करते रहेंगे, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं निर्मित होगी। घुटने तक जाएंगे तो दूसरी सीढ़ी है वहाँ खड़े हो जाएंगे पानी में, बस ये घाट तो पहले के बने हुए होंगे, घाट है सर ये, तीनों घाटों में देखना आप सबसे बढ़िया, अच्छा लग रहा है देखो ना स्पेशियस है। होम गार्ड वाले आए थे कैसे डूबेगा तो कैसे बचाना है, तो समझने का भी आया था गार्ड साहब, मैडम भी आई थी मैडम, दादा